एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने स्किजोफ्रेनिया डिसीज जिसको हुआ था अपने बेटे को, उसको मेरे पास में लाया और उसको अभी सेक्सुअल प्रॉब्लम तैयार हो, तो उसके बारे में आज मैं आपको केस स्टडी बताने वाला हूं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। ये जो व्यक्ति है 50 साल का व्यक्ति, उसने अपने 30 साल के करीब करीब 30 या 28 साल का बेटा था, मतलब बहुत ही ऐसा लगता था कि छोटा भाई है इसका, मतलब ऐसा इतना बड़ा लड़का और बाप इतना बड़ा नहीं था। तो ऐसा उसको लाया मेरे पास में, बोले कि इसको देखो अभी प्रॉब्लम है, बहुत चिड़चिड़ापन है, गुस्सा करता है, और उसको हम उसके बिना मालूम होते हुए हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब भाई कौन से मेडिसिन दे रहे, तो उसको एंटीसाइकोटिक चालू थी। जब उसको पूरा पूछा तो मालूम पड़ा कि पिछले 1 साल से इसको प्रॉब्लम है, उसको पागलपन के दौरे आते थे, कोई लोग मेरे को मारने आ रहे हैं, कोई लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, कोई मेरे को देख रहे हैं, ऐसा उसको चल रहा था। उसको और कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शॉक ट्रीटमेंट दिया, शॉक ट्रीटमेंट देने के बाद में काफ़ी उसमें फ़र्क आ गया और वो एकदम नॉर्मल जैसा हो गया। फिर डॉक्टर ने उनको बताया था कि अभी ये आप दवाई ले लो और ये दवाई अभी साल भर चलने दो, तो उसको दवाई लिख के दिया था, दवाई लेने को तैयार नहीं। फिर माँ बाप क्या करते थे, उसको कुछ ना कुछ अनाज में, मतलब खाने में, भोजन में वो दवाई मिला के उसको देते थे। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि ये बोलने लगा कि मेरे को अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब उसके लिंग में इरेक्शन नहीं आता, कठोरता नहीं आती। अभी हो सकता है कि ये एक तो बीमारी से है नंबर एक, विच इज़ अनलाइकली, मतलब नहीं होना, मतलब ये संभव नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि बीमारी से ऐसा होना ऐसा असंभव है, बहुत कॉमन नहीं है, असंभव नहीं, ऐसा कॉमन नहीं है। गोली से ऐसा हो सकता है जो हम देते हैं गोली। तो फिर उनको मैंने समझाया, उसको काउंसिलिंग किया, भाई देख तेरे को अभी डॉक्टर ने बताया हुआ है कि एंटीसाइकोटिक देना जरूरी है, वो दवाई तो आपको पूरे और 1 साल चलने वाली है, क्योंकि जब जब दवाई कम करते हैं या बंद करते हैं तो इसका चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। उसके माँ बाप ने ये देखा कि दवाई बंद किया कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा, दवाई चालू तो बराबर रहता है वो, तो अरे देख तेरे को दवाई लेना बहुत जरूरी है, दवाई ले। अभी रहा सवाल तेरा शादी का, शादी का क्या हो गया कि जब इसको ऐसा ये स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो उसको फिर काफ़ी सारे लोग जो रहते हैं, जो सलाह देते हैं सलाहकार फुकट में, वो लोग बोले कि आप इसकी शादी कर दो तो इसका प्रॉब्लम निकल जाएगा, छूट जाएगा। फिर इसकी शादी करवा दिया। अब शादी करने के बाद में और प्रॉब्लम, क्योंकि अभी उसका सेक्सुअल प्रॉब्लम तैयार हो गया, वाइफ को मालूम ही नहीं इसको क्या हुआ, तो उनके झगड़े चालू हो गए कि नहीं भाई उसको सेक्स ही नहीं आ रहा है, सेक्स नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, ये कभी कभी चिड़चिड़ापन ज़्यादा करता है तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो नया प्रॉब्लम तैयार हो गया। अभी मैंने उसको फिर जो लिंग में कठोरता आने की जो दवाई है वो दवाई उसको लिखा मैंने, सिल्डेनाफिल दिया, सिल्डेनाफिल दिया, उसके साथ साथ उसके जो साइड इफेक्ट सिल्डेनाफिल के होते उसके लिए मैंने उसको कुछ और दवाई दिया कि वो साइड इफेक्ट नहीं होंगे। उसको मैंने काउंसिलिंग किया क्या करना चाहिए, और मैंने ये बताया कि उसको जो एंटीसाइकोटिक दवाई चालू है वो दवाई पहले लेने का नहीं है, पहले सेक्स की दवाई लेने की है और वो भी कुछ दिन तक, बाद में सेक्स होने का है, सेक्स करने का है, और सेक्स होने के बाद में ये जो दिमाग की गोली है तब खाना है रात को। जो उसको ऐसा समझा के दिया, फोर प्ले के लिए बोला, काम क्रीड़ा करो बराबर, वो बताया, तो बोले ठीक है अभी मेरे को समझ में आ गया, अभी मैं दवाई भी लूँगा और सेक्स भी करूँगा। कुछ दिन बाद में मुझे मिलना है, बोले अभी मेरा सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं दवाई भी ले रहा हूँ और काम को भी लगाऊँ। तो इस तरह ऐसा होता है कि काफ़ी सारे मेंटल इलनेसेस जो है, तो मेंटल इलनेस के कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक एंग्जाइटी और डिप्रेशन मेनली, ऑब्सेसिव पेशेंट रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, उसमें भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकता है, फोबिया में भी आ सकता है, मैनिया जैसी बीमारी उसमें ज़्यादा सेक्स हो जाता है तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ये बीमारी की वजह सेक्सुअल प्रॉब्लम आता है, दूसरा बीमारी के लिए हम जो गोलियां देते हैं वो गोलियों से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकता है, लिंग में कठोरता नहीं आती जल्दी। तीसरा प्रॉब्लम जो है कि ये दवाई से कभी कभी कुछ लोगों में जल्दी इजैकुलेशन होता नहीं, पतन जल्दी होता नहीं, मतलब वीर्य का पतन जो है उसको टाइम लगता है और थक जाते हैं सेक्स करते करते, तो वो भी प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए काउंसिलिंग करना जरूरी है। तो ये जो भी कोई मानसिक बीमारियां हैं वो लोगों को, ये पेशेंट को, बहुत ज़्यादा लोगों में, हम पूछते नहीं है मगर बहुत ज़्यादा लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और उनका यदि काउंसिलिंग करते उनको फॉर द टाइम बीइंग सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल या वरदानाफिल ऐसी गोलियां देते हैं और काउंसिलिंग करके उनका ठीक ठाक कर देते पूरा अच्छा समझा के भाई कैसा करना सेक्स वगैरह, तो उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।